होली आने से पहले ही हम बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी मठरी, वो भी आटे के साथ। मैं लक्ष्मी, स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो खस्ता मठरी है उनको मैं काजू शेप में बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल भरकर आटा लिया है। आधा कप के करीबन इसमें सूजी ऐड कर देंगे। अगर सूजी आपकी अगर मोटी है तो आप इसको मिक्सी जार में ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच के करीबन इसमें हम अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन से हमारा पाचन सही रहता है और हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीबन इसमें ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पर सफोला गोल्ड ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। घी से भी बहुत ही खस्ता मठरी बनकर तैयार होती है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो मोइन ऐड करने के बाद इस तरीके से हम एक बार चेक करेंगे। अगर आपकी मुट्ठी बंद रही है इसका मतलब मोइन बहुत अच्छे से पड़ा है। अगर मुट्ठी नहीं बंद रही है तो आप थोड़ा सा मोइन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे, इसका एक डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो मैं इसको आटे के साथ बना रही हूँ। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। आटे की मठरी भी वैसे ही टेस्ट आता है जैसे हम मैदे की बनाते हैं। तो अब देखिए ये डो लगाकर रेडी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो इसमें हमने सूजी ऐड की है। डो को ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट रखना है। अब डो की हम बड़े बड़े बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसकी लोइयां हम तोड़ लेंगे। उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। एक गोल पेड़े को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इस चॉपिंग बोर्ड पर ही इसको बेल लेती हूँ और उसके बाद हम इसको काजू शेप में कट करेंगे। तो अब इसको बेल लिया है, अब इसको एक शेप देंगे काजू की। तो मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का ढक्कन ले लिया है। तो मैंने इसको 2-3 बार इसको करके देखा लेकिन इससे अच्छे से नहीं हो रही थी, बहुत छोटे छोटे काजू बन रहे थे। फिर मैंने एक बड़ा ढक्कन ढूंढा, उससे बहुत आराम से निकल रहे थे। थोड़े काजू बड़े भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के और आराम से ये कट हो जा रहे थे। ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, आराम से ये कट होते जा रहे थे। सारे यहाँ पर मैंने ये काजू शेप में बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको डीप फ्राई करने। आपको एक बार शेप दिखाती हूँ। बिल्कुल काजू शेप में ये कट हो गए हैं और सारे एकदम ऐसा लग रहा है कि मून बनाकर रेडी कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं इनको डीप फ्राई करने। जब भी मेरी मम्मी मठरी का डो लगाती थी तभी मैं एक ढक्कन ढूंढकर तैयार रखती थी कि मुझे इनको काजू शेप में इनको कट करना है। उस टाइम मैं ऐसा सोचती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये काजू शेप में बन जाएँ और फिर इनको ही खाती थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लगते थे देखने में भी और खाने में भी। तो देखिए सारे मैंने यहाँ पर ये काजू को डाल दिया है और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये एकदम रेडी हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं हमेशा मैदा के ही बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने आटे के बनाए हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। तो आप एक बार ट्राई करें। खस्ता काजू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सेकंड बैच को भी ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी खस्ता मठरी बनकर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो आप उसके सामने चाय के साथ रखेंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता बनकर रेडी हुआ है, देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लीजिए हमारी मठरी बनकर रेडी है, आप इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।